यूट्यूब चलाते हो आप लोग? आपके पास, आपके पास स्मार्टफोन है यूट्यूब चलाने वाला? बच्चों के पास है? कार्यक्रम आ जाता है क्या? आपको समझ में आया, मतलब कपास की खेती कर रहे हो उसमें क्या समझ में आया आपको, कैसे मिट्टी का स्प्रे करना चाहिए वो सब? तुम्हारा हम सुनिया कराने होगा आपसे, पहले किया है कभी? नहीं, अभी वो वगैरह जानकारी मिल जाए हमको, योग से मिल गया आपको, हम प्रगति का प्रति थोड़ा जागरूक होना जरूरी है नहीं भैया? एक्चुअली अब आप, हम ये समझ रहे हैं कि प्रकृति के पीछे जागरूक तो होंगे, लेकिन हम हमारे खुद के पीछे जागरूक हो जाएं वो बड़ी बात है। प्रकृति अपने आप ठीक हो जाएगी। हो क्या रहा है, हमने हमारी खुशियों के लिए, दो पैसों के लिए, हमें अज्ञानता में हम प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं। जानबूझकर हम जहर नहीं डाल रहे हैं, हमें कपास अच्छा पकाना है इसलिए जहर डाल रहे हैं, यही हो रहा है ना। अब उससे हमारे कपड़ों में कितना जहरीला कॉटन आ रहा है, चर्म रोग कर रहा है, हमारे बच्चों की उम्र कम करेगा। बाबा की जो उम्र है ना, शायद हमारी उम्र नहीं होगी वो, इनके पहले दादा की जो उम्र होगी वो इनकी उम्र नहीं है। तो ये छोटे छोटे अगर हम आयाम उठाएंगे ना, तो हम खुद ही अपने जीवन को सही बना पाएंगे, प्रकृति अपने आप ठीक हो जाएगी अगर हम ठीक हो गए। और मिट्टी का स्प्रे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सैकड़ों प्लाटों में हमने कर चुके हैं, हर फसल पे कर चुके हैं, कोई सी भी फसल हो, उसका साइंस है। मिट्टी डायरेक्ट खेत की नहीं डालना है, खेत के बाहर जंगल होना चाहिए जहां कभी यूरिया डीएपी पोटास आपने नहीं डाला, जहां पर कभी भी आपने कोई खेड़खाड़ नहीं करी हो, कांटे वाला पेड़ नहीं होना चाहिए, उसको 5 फीट गहरा गड्ढा करो, 5 फीट गहरा गड्ढा करो, ऊपर से लेकर नीचे तक की मिट्टी। पहली बार गड्ढा करोगे तो पूरी ले लो, ऊपर नीचे की आ गई, फिर अभी बारिश आएगी तो उस गड्ढे के आसपास ऐसी पाल बना दो, किनोर बना दो, ताकि बारिश का पानी उसके अंदर न जाए। और एक बार मिट्टी निकाल ली तो फिर उसको वापस प्लास्टिक, काली या फिर कोई टाट, पन्नी, कुछ भी, मतलब पत्ते ढकना है उसको, ताकि नीचे अंदर अंधेरा हो, बाद में वापस उसी गड्ढे से ले सको। अगर उजाला है, पानी गया है, तो वो गड्ढे की मिट्टी वापस काम में आएगी नहीं, तो हाँ, तो फिर दूसरा गड्ढा खोद लो। एक्चुअली वो गड्ढे का साइंस है, ऊपर की जो 1.5 फीट की मिट्टी है उसमें सभी तरह के बैक्टीरिया का महासागर है, उसके नीचे जो मिट्टी है, उसके नीचे जो मिट्टी है तो यहाँ पर बायोमास कार्बन है, सबसे लास्ट की जो 5 से 7 फीट की मिट्टी है उसमें ह्यूमस का रसा है, जैसे कहीं भी पत्ते डंठल जो गिरा है मिट्टी पर, ये गल कर कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, तो नीचे इकट्ठा हो रहा है। केचवे कहाँ मिलते हैं? गहराई में नीचे, जो उस ह्यूमस वाली मिट्टी को खाते हैं। अगर उस मिट्टी को हमने ऊपर लिया, पानी में घोला, 24 से 36 घंटे घोलना है, 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 24 से 36 घंटे घोल के रख दो। कोई से भी फसल हो, अभी आप कॉटन के लिए आए हो, कॉटन में तो एकदम ब्रह्मास्त्र है, कुछ भी दवाई डालने की जरूरत नहीं। कॉटन का पौधा 10 दिन का हुआ, उसके बाद से आप हर 7 से 10 दिन में डालो, फिर थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर 14-14 दिन के अंतराल पर स्प्रे करो। अमावस्या और पूर्णिमा, हाँ, अमावस्या और पूर्णिमा पे आपने स्प्रे किया तो एक तो वो अमावस्या और पूर्णिमा जो दिन रहता है ना, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अमावस्या पूर्णिमा अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम भले ही नए जमाने में आ गए हैं और महत्वों को भूलते जा रहे हैं, तो हमें तकलीफें भी पड़ रही है, हम पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं। अगर पुराना साइंस अध्यात्म वाला और नए जमाने की टेक्नोलॉजी इन दोनों को जोड़ के चलेंगे तो कम खर्च में उत्पादन ज़्यादा आएगा। और मिट्टी घर की है, कहीं खरीदने जाना नहीं, पैसा लगना नहीं, दो बार कप्पड़ छान करो और पौधे को नहला दो, उसके ऊपर एक आवरण चढ़ता है। अब जिस पत्ते पर मिट्टी आती है वहाँ से खुशबू कैसे आएगी? सौंधी सौंधी। तो जो रस चूसने वाले कीट है, पतंग है, तुरतुड़ा है, इल्ली है, उसको मिट्टी की खुशबू आती है, तो वो मिट्टी को खाता है क्या? नहीं खाएगा ना, ये प्रैक्टिकल है। तो वहाँ रहेगा जरूर, लेकिन आपके पौधों को नुकसान नहीं देगा।
खाएगा तो पहले उसके ऊपर की लेयर में मिट्टी आएगी, और जो 5 फीट का गहरा गड्ढा किया उस गड्ढे में नीचे पतली सा क्ले है, मतलब जिसमें कंकर नहीं है, क्ले है, वो चिकट चिकट है, थ्रिप्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, इनमें से कुछ ऐसे रस चूसेंगे जिनकी आते किडनी नहीं होती। मैं साइंटिफिक बात बता रहा हूँ, जो मिट्टी का क्ले ऊपर पत्ते पे है और उन्होंने खाया, तो खाएंगे क्या, पहले क्ले फिर पत्ता, तो वो क्ले खाएंगे तो वो पचा नहीं पाएंगे तो उनको भूख लगेगी नहीं, भूख नहीं लगेगी तो वो वहां से गायब हो जाएंगे। अब कितने दिन बिना खाए रहोगे, एक बार आपने खा लिया अब आपका पेट डूम हो गया, उसकी मजबूरी हो जाएगी जाना, वहां से उसका पेट खराब हो जाएगा। एक तो खुशबू के कारण वो रहेगा नहीं, क्योंकि मिट्टी की सौंधी खुशबू, मिट्टी को कौन खाता है। आपके पौधे के ऊपर हरा पत्ता है, उसमें से उसके रोम छिद्रों में से उसका रस आ रहा है। इसका स्प्रे करने का सही समय बताऊं मैं, सुबह सूर्य की पहली किरण हो, जब से लगा कर 9 बजे के पहले सबसे सही समय है। पत्तों के ऊपर हल्का हल्का चिप 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 रस आता है, और वो सभी कीड़े मकोड़ों को इनवाइट करता है, उसकी खुशबू जाती है, वो उनको इनवाइट करता है कि आओ मैं आपका भोजन हूँ। और वहाँ पर आपने मिट्टी का स्प्रे कर दिया तो वो खुशबू बदल जाएगी, उन रोम छिद्रों में मिट्टी आ जाएगी, ज़्यादा धूप ज़्यादा ठंडी में पौधा खराब नहीं होगा। बातें एकदम छोटी छोटी सी है, लेकिन इसको अगर हमने सही से फॉलो कर लिया तो आपको पेस्टिसाइड काउंटर पे जाना नहीं, मिट्टी खेत के बाहर 5 फीट गड्ढे से निकालो और उसको घोलो, 2 दिन बाद स्प्रे कर दो। फसल कोई सी भी हो, मिर्च हो, कपास हो, कुछ भी नहीं, उसको फिर खेत में डाल दो ना, जो आपने पहली बार के निकाला उसको क्या करोगे आप, जो नीचे का गाद बच रहा है वो गाद को इकट्ठा करो और खेत में खाद के जैसे फेंक दो, क्योंकि नीचे की मिट्टी तो खाद का काम करेगी, इसीलिए तो उसका रसा स्प्रे में काम में आ रहा है। आपको टॉनिक की आवश्यकता नहीं, फंगीसाइड की आवश्यकता नहीं, आपको रस चूसक कीड़े भगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको स्प्रे करना क्या है बताओ, सही चीज आ गई ना, व्हाइट फ्लाई भगाना है, हरा मच्छर भगाना है, थ्रिप्स भगाना है, इनके साथ साथ टॉनिक डालना है, इनके साथ साथ एक फंगस का स्प्रे करना है। सारे काम तो मिट्टी कर रही है, जब मिट्टी कर ही रही है तो फिर हमको कोई सा स्प्रे लेने की आवश्यकता क्या है। 24 से 36 घंटे रखना है, 2 बार घोलना है और कप्पड़ छान 2 बार करके उसको स्प्रे करना है। स्प्रे मतलब धुआं नहीं, पौधे को नहला दो। हम अभी जो स्प्रे कर रहे हैं उसमें धुआं कर रहे हैं। हम क्यों धुआं कर रहे हैं, जेब में पैसा कम है, दवाई कम लगे, धुआं दो और आगे बढ़ो। मन को समझ में आ जाए मैंने स्प्रे किया। और बोलते हैं ना कि धुआं होना चाहिए तो अच्छा है, जल्दी हाँ तो बोलेंगे, इसीलिए ना कि 2000 रुपए कोठी की दवाई आ रही है। कितने की आ रही है दवाई? 2000 रुपए कोठी की दवाई आ रही है। आप 2 एकड़ में एक कोठी दवाई डाल रहे हो, 1000 रुपए एकड़, और दवाई डालने वाला अलग, वो तो खैर ठीक है, इसमें भी लगेगा। तो अब इतनी जल्दी जल्दी डालना पड़ेगा कि चल ये छोड़ वो पकड़ वो छोड़ वो पकड़, नहीं तो दवाई और लाना पड़ेगी। कहीं असर करता, कहीं बात छोटी सी है लेकिन वो गंभीरता से सोचने लायक। आप कौन कौन सी फसल लगा रहे हो आप लोग? हम अभी तो भैया ये फसल अभी कॉटन वो आपके वीडियो में देखा था मैंने, आप वो क्या अरंडी का वो कर रहे हो क्या? नहीं, अरंडी वाला नहीं किया है। एक्चुअली चीजें अच्छी हैं जो CVR जी ने बताया, अरंडी का तेल थोड़ा सा डालना, उन्होंने उनका प्रैक्टिकल किया है, सही है। लेकिन मेरा जो मानना है, मैंने जो प्रैक्टिकल किया है कि आपने वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ बीज वाला, बीज नहीं, नहीं वो नहीं कर रहा, बीज वाला नहीं कर रहा, नहीं इसमें कुछ भी डालना नहीं है, और वो अरंडी का बीज वाला काम नहीं कर रहा है। नहीं अच्छा, वो केले और उसका ही, केला और बम्बू दो ही चीज कर रहे हैं, बाकी इनमें गाइडलाइन है। तो वो अब हम वो क्या, बाकी का अभी बारिश पे आश्रित है तो वो मक्का लगा रहे हैं आपके साथ चलने का भी। मक्का में भी स्प्रे करो, मक्का में भी इसका VM स्प्रे करो, तो आपको मक्का में जो सुंडी को खराब करता है वो कम आएगा। आपको अदर दवाई तो लेना पड़ेगी, लेकिन ये मिट्टी का स्प्रे किया तो और कम फर्क आ जाएगा। आप कहाँ से आए, अपना नाम और परिचय दीजिए ना थोड़ा सा। मेरा नाम दीपक निगवाल है, मैं ग्राम वासी तहसील राजपुर जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से बलराम भैया के यहाँ जानकारी लेने के लिए आए हैं। कब से देख रहे हैं आप किसान पाठशाला चैनल को? किसान पाठशाला चैनल को मैं करीबन 2 महीने से देख रहा हूँ। अच्छा। आपका बहुत सारे वीडियो ना, अच्छा। ट्रिपल नाइन
सब देखा है 70-30 सारी चीज समाज के और कपास में भी 70-30 फॉलो करने के प्रयास करो आप। हाँ बिल्कुल सर, जहाँ तक पौधे की जड़ों के पास कम से कम खेड़खाड़ करो, और वहाँ जो निंदावण का जो हमारा खरपतवार रहता है उसको खेत के बाहर मत डालो, पौधा जो खड़ा है पौधे के आसपास डालो। यहीं पर निंदावण का जो खरपतवार है, किसान क्या करता है वो उसको कचरे को चुन कर खेत के बाहर करते हैं ना, अभी तक हम भी करते हैं। आप भी कर रहे हो, आपके पापा ने भी किया होगा, उनके पापा ने भी ऐसा ही किया होगा, फिर भी खेत से खरपतवार जा रहा है क्या बाबू जी? आपने भी ऐसे ही खेती की ना, हर साल चुने ही करो, हर बारिश में 8 दिन में सफाई कराओ, कोल्पे निकालो, खरपतवार आना बंद होता है क्या? नहीं नहीं आता। कॉटन का बीज लगाते हैं उसको जानवर खा जाते हैं, खरपतवार को नहीं खाते। नहीं 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 खाते। तो ये एक जंगली तरह का पौधा है, ये आता ही रहेगा, जितना साफ करोगे उससे कुछ उतना इफेक्ट नहीं है कि हम चारा मार डाल दें या उसको बीज पे ना आने दें, निकाल के बाहर कर दें। अगर इस तरीके से अगर होता तो आज आपके खेत में कुछ उगना नहीं चाहिए था, तो पिछले साल भी निकाला ना आपने। हाँ, सही बात, साल में दो बार तो निकलता ही है ना। दो बार बारिश हो रही है और एक 10 दिन की गेप आई 7 दिन की, तो वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। चार बार हुई तो चार बार आ जाएगा, दो बार क्या हो, तो जितनी बार बारिश हुई जितनी बार पानी दिया उतनी बार आ जाएगा, एक तरह का वो तुम बता दे हो ना एक बार चारा होगा आप इधर से ले फिर इधर से ले। काका अपना परिचय दो ना, आप कहाँ रहते हो और क्या सोच करके आए हो किसान पाठशाला के पास, क्या विचार लेके आए हो? मैं मिश्रीलाल सोलंकी, ग्राम वासवी, तहसीलपुर, जिला बड़वानी जी का रहने वाला हूँ। खेती करते हैं छोटी सी ऐसे। अच्छा, अभी तो कपास की और ये साधारण खेती करेंगे। तो भैया का वीडियो हमने बहुत सुना है। अच्छा, भैया का तो उनसे जानकारी लेने भी कुछ आया, तो दवाई ववाई भी जो देते हैं उनके अनुसार खेती करेंगे। हम 2 महीने से हम भी सुन रहे हैं पैसा कैसे कम लगे। हाँ, पैसा यही बताते हैं शामिल हो जाओ, खुद की खेती को ठीक करो। मेरा यही कहना है कि हम खुद चल रहे हैं वैसे। हाँ, पर आप देखो समय आए फिर देखेंगे। नहीं, ये और साधारण है, मिट्टी का स्प्रे और साधारण है, साधारण के लिए ही है, इसीलिए आपके पास हम आए। भैया अपना परिचय दो। मन्नालाल शंकर जी, जैसे राजपुर जिला। आप कौन सी खेती करते हैं? सरामे ये खेती करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं कपास की खेती? कपास खेती मेरी बहुत दिन से कर रहे हैं। बहुत साल से कर रहे हैं। साल से कर रहे हैं। ऐसा कभी सुना था कि मिट्टी का स्प्रे करने से कुछ होगा फायदा ऐसा? नहीं, इसमें अगर शंका हो अपने को, हमको तो कोई शंका नहीं, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ और सभी फसलों पर हम मिट्टी का स्प्रे कर रहे हैं और हमें कोई पेस्टिसाइड की हार्मफुल की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने तो ट्रायल लिए, आपको शंका हो परिवार में ऐसा कि यार मिट्टी की स्प्रे डालेगा फसल नहीं अच्छी आएगी, तो उसके लिए क्या करना है, अगर हमारी 2 एकड़ ज़मीन है तो बीच में 20 लाइनों में मिट्टी का स्प्रे करो, बीच में आइट साइड जो परिवार वाले बोलते हैं वो करो, एक साल रिजल्ट देखो, आपको फ़ायदा है तो अगले साल करो। भाई मिट्टी लेकर डालोगे तो बलराम को पैसे देने आओगे? किसको, दुकानदार को देने जाओगे? पैसा बचेगा तो आपके घर का बचेगा ना, घर पे ही बचेगा। ये बातें छोटी छोटी सी है, इसको करेंगे फॉलो तो हम अच्छे से आगे निकलेंगे। अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए, भगवान बलराम की मूर्ति भी है ना, दर्शन करके जाओ, फोटो खिंचा कर ले जाओ। 23 तारीख को नहीं आए होंगे ना? ओपनिंग कहीं थी दोस्त के यहाँ तो वहाँ चले गए। मृदा परीक्षण भी होता है, समय समय पर उसको भी कराओ ताकि अपनी फसलों में क्या ऊपर नीचे है वो समझ में आएगा। अभी तो लगा दिया भी है, तो अभी करवा सकते। मृदा परीक्षण साल में 3 से 4 बार कराना चाहिए। हमें जो मृदा परीक्षण की जानकारी दी गई है वो इस तरह की है कि फसल निकलने के बाद, फसल लगाने से पहले गर्मी में जब जमीन गर्म तपी हो, खेड़खाड़ करके रखी हो, जब सैंपल निकाल के दो और कराओ साल में एक बार। अब अगर ध्यान से आप समझो तो उसका कुछ औचित्य है क्या? सूखी जमीन, अप्रैल मई में 47 डिग्री टेम्परेचर, कड़क पत्थर गर्म हो रहा है, क्या बैक्टीरिया उसमें दिखेंगे, सब अंदर घुस जाएंगे। हमने पलव वलव करके, हो सकता है कोई गोबर डाल देता है, कोई गोबर डालने की तैयारी करता है, कोई जिप्सम डाल देता है, उस समय हमने सैंपल निकाल के भेजा, उस समय ना तो उसमें पानी है, ना नमी है, ना बैक्टीरिया है,
ना हमारे पौधे की जड़े हैं, ना हमने उसमें गोबर डाल रखा है, ना उसमें सुपर फास्फेट पोटास या जो हम डालते हैं खेती जिन तरीकों से करते हैं वो कुछ नहीं है। तो आपने सैंपल टेस्ट कराया तो उसमें आएगा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। तो जो आना है वो सिंपली आना है। लेकिन जब हम खेती करते हैं, अभी आप कपास लगाए हो, तो कपास लगाने के बाद कपास की थोड़ी सी अवस्था हो उस समय दो पौधों के बीच का सैंपल लेना चाहिए, वो नमी वाला होगा, उसको छांव में सुखा लो, उसका टेस्ट करने के लिए भेजो, ताकि आज मेरा पौधा खड़ा है, आज इस अवस्था में मेरे खेत की क्या कंडीशन है। ये हर 3 से 4 महीने में टेस्ट कराना चाहिए। और टेस्ट क्या कराना चाहिए? मात्र पीएच और कार्बन, दो चीजों का टेस्ट कराना चाहिए कि हमारी मिट्टी का कार्बन परसेंट बढ़ रहा है क्या, और पीएच स्थिर हो रहा है क्या। 6.5 पीएच होना चाहिए, पोटेंशियल हाइड्रोजन, पीएच का मतलब है। हम जो भी खाद डालते हैं उससे जमीन का नमक बढ़ता है, क्षार। तो आपने कॉटन लगाया, उसके बाद गेहूं बोए या चना लगाया, तो यही लगाओगे आप, बीच में हो सकता है मक्का आ जाए, तो ये जो फसल बदली, तो इस साल कॉटन में अगर हमारा 7 पीएच था और मक्का लगाते समय 7.25 है, तो इसका मतलब हमें समझ में आएगा ना कि मैं जो कॉटन की खेती जिस तरीके से कर रहा हूँ, इसने बढ़ा दिया पीएच, अगले मक्का में मैं वो गलतियाँ ना करूँ जो मैंने कपास में करी। इसलिए हर 4-4 महीने में कराना चाहिए, 3-3 महीने में। साल खत्म होगा, एक बार कराएंगे और वहाँ पर कुछ नहीं है तो आएगा कुछ नहीं। तो अभी वो पौधा 1-1.5 महीने का हो जाता है, अभी कराना चाहिए। फसल की कोई सी भी अवस्था हो, फसल चालू है उस अवस्था में, जैसे गन्ना है, केला है, पपीता है, ये साल भर की फसलें, हर 3 महीने में सैंपल टेस्ट करो कि हम जिस तरीके से खेती कर रहे हैं उसमें हमारी खेती बिगड़ रही है कि सुधर रही है। अगर पीएच बढ़ रहा है, कार्बन घट रहा है, तो हमने तरीका बदलना चाहिए, इनको बढ़ाना चाहिए, कार्बन परसेंट बढ़ाना चाहिए तो हमें कम खर्चे में उत्पादन आएगा, पीएच को नियंत्रण रखना चाहिए ताकि पौधा भोजन उठाता रहेगा। बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी है जो प्रैक्टिसेस मार्केट में चलन में है, शायद मेरी नजरों से वो गलत है। वो आपका वीडियो देखा था हमने, तो हमने भी वो ब्रह्म राक्षस से उसको पूरा जीता भी था। आपकी भाषा में, आपकी भाषा है ब्रह्म राक्षस। वो पूरी वो कपास की काटी को पूरा पीस के पीस दिया, वहीं पर दबा दिया वहीं। ये जो अभी पीसा है ना, ये अगले साल काम में आएगा, क्योंकि अभी कच्चा रहेगा। कर दिया उसमें, और ये 3रा साल है मेरा, उसी में लगा रहा हूँ। बहुत अच्छा। इसमें फिर आप कंटिन्यू कपास में कपास लगा रहे हो तो बोर्डो मिश्रण का ध्यान रखो, चूना और नीला थोथा। कभी कभी ऐसा जो अक्टूबर हीट में गर्मी आएगी और फिर एक आध बारिश आ गई ना, तो पौधे वहीं खड़े के खड़े बैठ जाएंगे, डंप होंगे। तो उसके लिए 10 लीटर पानी में 1 किलो चूना अनबुझा, जो डालने पर उबाली आए, 10 लीटर पानी में 1 किलो नीला थोथा, बोरचूट, कापर सल्फेट, तीनों नाम एक ही चीज के, मिश्री जैसा आएगा नीले कलर का, इनको अलग अलग घोलो, 200 लीटर पानी में एक साथ डालो। ये 200 लीटर पानी को फिर एक लकड़ी से हिलाओ, और ये जो घोल बनेगा ये आप फिर कपास के पौधों में ड्रेंचिंग करो तने पर, तो पौधा जो डंप होता है ना वो होगा नहीं। हाँ, वो क्योंकि मेरा ये 3रा साल है। कंटिन्यू कपास में कपास लगाएंगे तो ये होगा, मैं लगा चुका हूँ 9 साल तक कपास में कपास लगा चुका हूँ। मेरी इस बार हिम्मत छूट रही थी, भाईजान ने छोड़ दिया, मैंने लगा रहा हूँ करके, कि 3रा साल है तो आएगा कैसा आएगा। पर मैंने आपका वीडियो देखा कि आपने बोला कि मैंने 9 साल तक लिया है कपास में कपास कपास में कपास। नहीं, ये बोर्डो मिश्रण की ड्रेंचिंग करते रहो, पौधा बड़ा हो जाए। तो बाकी समय समय पर किसान पाठशाला को देखते रहो तो रिजल्ट मिलता रहेगा। जी भैया, मैं वो आपके नए वीडियो भी जैसे भी आते हैं तो अब भारत के किसानों को कुछ बोलना चाहोगे किसान पाठशाला के बारे में, क्या सीखने को कैसे मिल रहा है, किसानों ने क्या करना चाहिए? मैं भारत के किसानों से बोलना चाहूंगा कि बलराम भाई के साथ किसान पाठशाला का जो वीडियो बना रहे हैं वो, और प्रकृति के प्रति जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और किसान घर से आता उत्पादन ज्यादा की जो उनकी मुहिम है, उसमें हम सब मिलकर उनका साथ दें और आगे बढ़े। खुद को रिपेयर कर लें, सीखने का एक अच्छे जरिया है कि जेब में ही मोबाइल है, घर पर ही सीख जाओ। थैंक यू, आप आए यहाँ पर इतनी दूर।